नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो पर अनबॉक्स करने वाले हैं टू गुड के द्वारा मंगवाया गया फ़ोन जो Redmi Note 5 Pro है और एक रिफर्स्ड बाई फ़ोन है। देख सकते हैं आप, मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। अगर आप भी सोचते हैं कि यहां से फ़ोन ख़रीदना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहां पे तीन क्वालिटी की आपको मिल जाती है, लेकिन जो सुपर क्वालिटी का जो फ़ोन है वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आपका बजट कम है, अगर आपको कोई रिफर्स्ड बाई फ़ोन मिलता है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसे जो अनबॉक्स कर लेता हूँ जल्दी से। और देख सकते हैं इस तरीके का जो है एक वारंटी कार्ड आपको मिलता है। ये आपको वारंटी कार्ड इस तरीके से मिलता है, 6 मंथ का वारंटी आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप इसको रजिस्टर भी कर सकते हैं, या जब मंगवाते हैं आप, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इसे 10 दिन के अंदर आप रिप्लेसमेंट या रिटर्न भी आप कर सकते हैं। तो ये मैंने जो है 7300 रुपये का मंगवाया था। और आपको पता है कि Redmi Note 5 Pro का जो क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन होता है, और टू गुड पर अधिकतर यही फ़ोन जो है अवेलेबल हैं। अगर आप आईफोन वगैरह लेते हैं तो आप सोच समझ कर ही लीजिएगा। अगर आईफोन लेते हैं तो लगभग 7 के ऊपर तो मिलेंगे ही नहीं आपको। जो कम बजट के फ़ोन हैं या कम मॉडल के हैं, वो कम मॉडल का आपको मिलेगा, या आपको 7-11 वहाँ तो आपको नहीं मिलेगा रिफर्स्ड बाई फ़ोन में। तो देख सकते हैं इस तरीके से इसका बनावट है, और इसमें स्क्रेच वगैरह नहीं है, ज़्यादा स्क्रेच वगैरह नहीं है। मुझे लगता है कि ये फ़ोन एक बार खुला है या नहीं, लेकिन अधिकतर रिफर्स्ड बाई जो है खुले नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से फिर इन्हें अपडेट कर दिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन एक बात यह है कि इसमें जो है कंपनी का चार्जर नहीं आता है। मुझे तो इस बार सैमसंग का जो है चार्जर दिया गया है, लेकिन कई फ़ोन में फ्लिपकार्ट का चार्जिंग आता है, और एक USB केबल जो है मुझे मिल गया है, ठीक है ना। आपको इसमें सिम इजेक्टर पिन भी आपको यहाँ पर नहीं मिलती, आपको ख़रीदना होता है। चलिए इसे जो है मैंने ओपन कर लिया है। आप इसे जब पहली बार मंगवाते हैं तो आप इसे रीसेट करके फिर से स्टार्ट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो देख सकते हैं तो चालू हो चुका है। अभी आपकी बारी है कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल या जवाब हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसका तो कैमरा क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है Redmi Note 5 Pro का, क्योंकि उस टाइम में तो बहुत महंगा मिलता था। अभी भी ये जो फ़ोन है अभी भी महंगा मिल रहा है। तो दोस्तों, टू गुड का फ़ोन अच्छा ही होता है, मैं तो ये बोलूँगा। आप रेटिंग देख के भी आप फ़ोन ख़रीद सकते हैं। अधिकतर लोग जो है यूट्यूब पर डाला हुआ है, अलग अलग फ़ोन का भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे जो है अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पर कर रखा हूँ।